ब्रह्मलीन गुरुदेव परम पूज्य दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज गुरु मूर्ति का दर्शन करें। कल षोडशी के साथ ये सब संपन्न हो जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये कमंडलू परम पूज्य गुरुदेव का है और मुझे गुरु प्रसाद के रूप में मिला है यह कमंडल, गुरुदेव का कमंडल। मैं लेके गया था अपने निवास, लेकिन कुछ कर्मकांड विद्वानों ने कुछ षोड़शी तक बताया कि इसमें ये कुछ किया जा सकता है, तो पुनः लाया था। तो गुरुदेव की जो है सो परम विरासत के रूप में, गुरु प्रसाद के रूप में, गुरु ज्ञान के रूप में यह कमंडल, उस ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय परमहंस की विरासत, बड़ा सौभाग्य है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद। गुरु चरण पादुका का बहुत महत्व है वैदिक दर्शन में। जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रे यशश्चारुचित्रम धनम मे ऋतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरग्रिपद्मे ततः किम। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हें संपूर्ण धारा का साम्राज्य मिला हो, तुम्हें बहुत ही सुंदर स्त्री मिली हो, प्रेसी मिली हो, पत्नी मिली हो, सुमेरु पर्वत जितना तुम्हें धन का भंडार मिला हो, जय जयकार तुम्हारी ब्रह्मांड में हो रही हो पूरी धरा पर, फिर भी अगर तुम्हारी भक्ति गुरु पादुका में नहीं हुई, गुरु चरणों में नहीं हुई, तो किस काम का यह सब कुछ, यह जीवन बेकार ही है। क्योंकि यह जो मानव शरीर है, इसकी परम अभिप्सा तो और परम लक्ष्य और परम पूर्णाहुति तो आत्मबोध से ही संपन्न होती है। जब तक आत्मस्वरूप का बोध न हो, जब तक आत्मज्ञान न हो, जब तक ब्रह्मनिष्ठा को उपलब्ध न हो, तो सब कुछ स्वप्नवत है। बड़ा से बड़ा राजनीतिक साम्राज्य, बड़ी से बड़ी संपत्ति, ये सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसलिए जगत गुरु कहते हैं कि जब तक गुरु चरणों में तुम्हारी अनुरक्ति नहीं हुई, लगन नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो इस धरा का संपूर्ण साम्राज्य निरर्थक है। क्योंकि गुरु ही वह तत्व है और गुरु की भक्ति, गुरु की शरणागति ही तुम्हें उस अनंत खजाने से मिलाता है, जो सच्चित आनंद स्वरूप, जो अक्षय आनंद का जो भंडार है तुम्हारे अंदर, जो अमरत्व का तत्व है, उससे तो गुरु ही मिलाता है। इसलिए जब तक गुरु चरणों में
गुरु चरणों में अनुराग का और भक्ति का तात्पर्य है, उस गुरु प्रतीक है ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, जलते हुए दीपक का। और जलता हुआ दीपक ही एक दूसरे को जला सकता है। जो स्वतः बुझा हुआ हो और ये संपूर्ण शास्त्र, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो या वेद भी हो, वास्तव में वो जीवंत नहीं है। उनके आधार पर, उनके मार्गदर्शन में, उनके आलोक में कोई जीवात्मा ही, कोई मनुष्य ही, कोई ब्रह्मनिष्ठ ही, कोई मुमुक्षु ही उस तत्व को, उस शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए वह जो गुरु, जो श्रोत्रिय है, जो वेदों को जानता है, जो उपनिषदों के मर्म को जानता है, वहीं तुम्हें तत्वमसी का ज्ञान देगा। तुम वहीं तत्व हो, तुम अजर अमर अविनाशी परब्रह्म परमात्मा नहीं हो। इसका बोध तो वहीं करा पाएगा जो स्वतः में अपरोक्षानुभूति को उपलब्ध हुआ हो। इसलिए कहते हैं जगतगुरु आदि शंकर कि तुम धरा के सबसे बड़े धनवान हो, सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता भी और साम्राज्य भी तुम्हारे पास है, सबसे सुंदर तुम्हारी पत्नी भी हो, और सुमेरु पर्वत के जितना तुम्हारे पास ना हो, अमूल रत्न हो, फिर भी सब के सब निरर्थक हैं, क्योंकि सब क्षणभंगुर जो मर्त्य लोक का संसार है, जो कल्पना है, स्वप्न मात्र है, उसी में है। वास्तविक जो सत्य है वह तो तुम्हारे अंदर है, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है। तो उससे तो कोई जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वहीं कराएगा। जैसे कि हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज आज की धरा पर, आज के युग में जो वैदिक संस्कृति के जो ऋषियों की परंपरा, जो ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण वेद कंठस्थ और उनका मर्म स्वतः अनुभूत सत्य के रूप में प्रज्वलित दीपक के रूप में निकलता था। किसी दूसरे की व्याख्या पढ़ने को सब आदिशंकर के अनुरूप पढ़े होंगे अवश्य, परंतु जो उनकी मौलिक व्याख्या निकलती थी, तत्काल बोध को उपलब्ध हो जाएगा कोई भी। थोड़ी भी विषयी नहीं होगा, कामी नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा, तो गुरुदेव की कृपा तत्काल बरसती थी। तो चलिए गुरुदेव का दर्शन करके, गुरु तो वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप होता है, और उस गुरुत्व को जहाँ से भी, उस वह जो सत्य की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, उसे ग्रहण करना चाहिए। रोशनी जहाँ से भी आए, प्रकाश जहाँ से भी आए, अंधेरा जो भी मिटा सके उसे अंगीकार करना चाहिए। इसलिए कहा गया उपनिषदों द्वारा, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जो ईश्वर है, गुरु है, और ये तीनों के तीनों तत्वतः एक हैं, सब उस एक निर्गुण निराकार सच निराकार सच्चित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उसी के तीन उपाधि जनित, तीन अलग उपाधि नाम रूप माने जाते हैं। ये सब के सब, इन सब का आधार अधिष्ठान एक वह जो दक्षिणामूर्ति है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, जो शिव है, वही है। इसलिए गुरु ही परमात्मा है और गुरु ही आत्मा है, और परमात्मा तो अदृश्य है, तो भक्त को, अज्ञानी को, मूढ़ को कौन मिलाएगा? तो सेतु बनता है गुरु परमात्मा से, और उस मुमुक्षु या भक्त को जोड़ने का सेतु बनता है। गुरु जानता है कि शिष्य कहाँ पर है, अंधकार के किस स्तर पर है, किस खाई में है, उसके अनुसार उसे ज्ञान देकर, और वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, उस मार्ग को जानता है। स्वतः उसने केवल वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, उसने अपरोक्षानुभूति कर ली, उस ब्रह्म तत्व को जान रहा है और प्रतिपल उसी में प्रतिष्ठित है। वह स्वतः ब्रह्म ही हो गया है। वेदों ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो स्वतः गुरु मूर्ति जो है वो ब्रह्म हो गया है। इसलिए तुम्हें, तुम्हारा दीपक जलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर तुम्हारा, तुम्हारी बाती और तुम्हारे दीपक और तेल उसमें हो उचित मात्रा में, तो तत्काल जला देगा तुम्हारा दीपक। वो
बाती दीपक और तेल तो तुम्हारी प्रमाणिक मुमुक्षा है, ग्रहण करने की क्षमता है। वासनाओं कामनाओं का यह जगत प्रपंच का त्याग करके तुम उस परम तत्व को जानने के लिए तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्षण भर में वह घटना घट सकती है और गुरु घटा सकता है। तो चलिए आप गुरुदेव का दर्शन कर लें। जो भी बहुत से भक्त पूज्य गुरुदेव को पहले से भी जो जानते हैं उनके लिए, और नहीं भी जानते हैं, गुरु तो वास्तव में मूलतः वही परब्रह्म परमात्मा ही है, वह शिव ही सबका गुरु है। तो आप परम पूज्य गुरुदेव जिनकी कल षोडशी है और इसके निमित्त ही मैं आया हूँ, तो मेरा 4-5 दिन का प्रवास यहाँ पर, उसके पश्चात पुनः अपने आश्रम वापस जाऊँगा, तो आप भी दर्शन कर लें। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।